मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रही है। अब सार्वजनिक इकाइयों और कंपनियों में से अकर्मण्यता को भी हटाने पर जोर दिया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अभी परिवहन एवं आवास विकास मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI के नए बिल्डिंग के अनावरण के दौरान NHAI के वरिष्ठ अफसरों द्वारा अकर्मण्यता की अनदेखी की जाने पर उन्हें आड़े हाथों भी लिया। NHAI के नए बिल्डिंग के अनावरण के दौरान नितिन गडकरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा, मुझे मैं क्षमा मांगता हूँ चेयरमैन साहब की और अभी आज के मेंबर की, क्योंकि वो उस समय थे ही नहीं, तो मेरा उनके ऊपर कोई रोष नहीं है। पर जो 13 साल से 2008 से NHAI में CGM GM करके जिन्होंने इसको हैंडल किया, कुछ तो बदल गए, क्योंकि 8 चेयरमैन हो गए और अभी 2 सरकारें हो गई, अब तीसरी सरकार है हमारी, यानी 5 साल के बाद हम रिपीट हो गए हैं। तो हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे, तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं? तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है, तो ये मैं अपनी शर्म पर बात कर रहा हूं, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। और अभी भी NHAI की इस सब डिलेज का जब तक अध्ययन नहीं होगा, और अध्ययन होने के बाद जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉटल नेक्स है, क्यों ये नहीं हुआ, इसके ऊपर अगर आप जब तक निर्णय नहीं करोगे और वही वही लोग बैठ के वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। परंतु ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद नितिन गडकरी ने सार्वजनिक इकाइयों में व्याप्त आलस और अकर्मण्यता पर भी करारा प्रहार किया। ऐसे कार्यक्रम में प्रथा होती है, कोई भी काम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिनंदन और शुभेच्छाएं देने की प्रथा है, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिनंदन कैसे करूं, क्योंकि 2008 में तय हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी, 2011 में इसको टेंडर अवार्ड हुआ, और ये 250 करोड़ का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ। इस काम को पूरा देखने के लिए 2 सरकारें और 8 चेयरमैन लगे, और उसके बाद में ये काम आज पूरा हुआ है। तो वर्तमान चेयरमैन और मेंबर बेचारे, उनका कोई इसके साथ संबंध नहीं है, पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है, उनके संभव हुआ तो चेयरमैन साहब उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना, कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की, और इसके लिए उन्होंने जो 9 साल की देरी की, कम से कम उनका इतिहास भी सामने आए। इतनी विनम्रता से सुस्त अधिकारियों की धुलाई करना कोई नितिन गडकरी से सीखे। जिस प्रकार से उन्होंने NHAI की नई बिल्डिंग के निर्माण में हुए विलंब के लिए नौकरशाहों को आड़े हाथों लिया है, वह काफी सराहनीय है। भारत में कई ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं हैं जो चलती तो सार्वजनिक फंड से है, लेकिन उनका काम किसी काम का नहीं। जैसे करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी जिस तरह से HAL आज एक असफल संस्था बनकर देश के करोड़ों रुपए खा रही है और काम के नाम पर हड़ताल ही दिखाई देती है, वैसे ही OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसी संस्थाएं भी काम के नाम पर केवल हड़ताल में विशेषज्ञता रखती हैं। ऐसी संस्थाएं काम और शोध तो सभी क्षेत्रों में करती है, लेकिन ना तो उस काम से राजस्व का उत्पादन हो रहा है और ना ही उन शोधों का भारत की जनता के जीवन में लाभ हो रहा है। इन संस्थाओं को हर वर्ष करोड़ों का बजट आवंटित होता है, परंतु उपलब्धि के नाम पर कोई विशेष रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मोदी सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों में से नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले कई महीनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई सार्वजनिक इकाइयों में या तो विनिवेश का मार्ग प्रशस्त किया है, या फिर उक्त इकाई जैसे OFB के विकेंद्रीकरण यानी कॉरपोरेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इसी का परिणाम है कि कुछ सार्वजनिक इकाइयों ने अपने ऊपर गाज गिरने से पहले अपनी व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है, जैसे DRDO।
प्रारंभ में डीआरडीओ का रिकॉर्ड भी एचएएल की भांति सुस्ती, आपूर्ति में देरी और असफलता से भरा पड़ा था। वर्ष 2011 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने डीआरडीओ की क्षमता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने लिखा था कि इस संगठन का इतिहास रहा है कि यह अपनी परियोजनाओं को देरी से पूरा करता है, जिसके कारण समय और लागत दोनों बढ़ते हैं और नुकसान देश का होता है। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही स्थिति अपने हाथ में ले ली और आज स्थिति यह है कि भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली की आपूर्ति प्रदान करने में डीआरडीओ बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहा है। ऐसे में एनएचएआई के नए बिल्डिंग के विलंब पर सुस्त और लापरवाह नौकरशाहों को आड़े हाथ लेकर नितिन गडकरी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।